पर लॉकेट तो गवाच गई जी। सर सानू नहीं पता जी मेहर ने कित्थे गुमाता जी। मेहर ने गुम किता है कि किसी घर वाले ने जानबूझ के उन्हें लुकोया है। ऐ ते पता चली जाना है। पर इस दे नाल ऐ गल ते साफ हो गई कि घर विच कोई तो है जो इन्ना वड्डा सच छुपा दे। मैनू होर तो नहीं पता जी पर मैं नहीं कुछ लुको रहा। हाँ जी सानू लॉकेट बारे कुछ नहीं पता जी। जी जनाब सानू सौ लगे माता रानी दी जी असी बिल्कुल सच बोल रहे हैं जी। ठीक है पर जे ये गल सच ना निकली मेरे तो बुरा कोई नहीं ते ए गल अपने बापू जी नूं भी दस देना। चल लाल सिंह वैसे वर्दी वाले की गल ते मैनू जमा भी भरोसा तो नहीं पर ऐस वर्दी वाले की गल च दम तो कोई सी है का तो कोई घर का बंदा जिन्हें लॉकेट नूं लुकोया है। चल भी लड्डू सिया लग जा कम ते। लॉकेट चोर नूं लड्डू बॉन्ड लभेगा। जेम्स बॉन्ड कहिंदा सी सब तो पहला शक उस ते करो जिन्हें चोरी होने की खबर सब तो पहला दिती हो। कमरे से कुछ नहीं लभ्या। मेहर लगता उन्हें लॉकेट नूं आप लुकोया ते इल्जाम साडे ते ला रही है। कित्थे है लॉकेट कित्थे है आ की है पता नहीं की कोई बैठे घर का। कोई नहीं लड्डू बॉन्ड सब कुछ लब के रहेगा। हैगा मैं लड्डू हाँ पर अंदरों बहुत जहरी हूँ। हे माता रानी इस विच ता चिंटू ते कपड़े ने जे लड्डू मामा ने देख ले ता सबनू पता चल जाना है। मैनू बचा लो माता रानी ये गठरी मैनू दिलवा दियो। लड्डू नाल कीड़िया ने खा लिया। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया माता रानी। धन्यवाद माता रानी अज तू मैनू बचा लिया नहीं तो चिंटू का रास खुल जाना सी। बड़ी प्यारी चल फिर खिंच लै तैयारी। जेम्स बॉन्ड कहना सी कि सच का पता लाना होवे सब तो पहला अपने ते शक करो भावे सगिया भैणा ही क्यों ना हो। सॉरी किटी भैन हुण मैं लॉकेट चोर नूं लभ के रहांगा। हाय नी बिटिए। हाँ दस किटिए हुण आपां रोईए
कि इस लड्डू नूं धोईए। एक होता तां अपने घर च चोरी करन लग पिया। हां किटिए इहदा हो जाए बेड़ा गर्क। मैनूं शक है कि चोर कौन है। कौन मैं? ओए मेरा रब्बा, मैनूं चक लै मेरा भरा। मेरे ते शक करी जांदा, मेरे ते शक करी जांदा, मेरे ते शक। ना भैणे, ना एवें ना कर, ना। ओ मेरी गल तां सुन लै। वी 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 वी, मैनूं तेरे ते नहीं बल्कि मैनूं किसे होर ते शक है। किहदे ते? किहदे ते? होवे ना होवे, इह लॉकेट पक्का बापू जी ने लुकोया। बापू जी ने लुकोया? तूं पागल तां नहीं हो गया? ਉਹ ਲੋਕਟ ਤਾਂ ਆਪ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਹੋਰ ਉਹ ਕਿ ਲੁਕਾਉਣਗੇ ਲੋਕਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚੋਰ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਲੋਕਟ ਮੰਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕਟ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਡੂ ਬੌਂਡ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੱਡੂ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੂੰ ਨਾ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲਈ। ਹੋਰ ਕੀ, ਬਹੁਤ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਡੂ ਲੱਡੂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਪੌਂਡ ਹੋਏ। ਚੱਕਦੇ ਫਟੇ चिंटू दोस्त, हुण तू सीधा गीटिया दे मार, चंगा? नहीं तां असीं हार जाणा। ये शाबाश चिंटू, शाबाश। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰਿੰਦਾ। जय माता दी, हले मैं हारी नहीं।
ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚਿੰਟੂ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ 13 ਸਾਡੇ 2 ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ 11 ਸਾਡੇ 4 ਠੀਕ ਤਾਂ ਗਿੰਦੀ ਪੂ ਦੋਸਤ ਠੀਕ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 15 ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਉਹ ਜਾ ਯਾਰ ਦੀ ਪੂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਤੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਾਡੇ 20 ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਵਾਹ ਚਿੰਟੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੇਡਣ 'ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ ਪਿੱਠੂ ਪਿੱਠੂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜਿੱਤ ਗਏ ਮੇਰਾ ਚਿੰਟੂ ਦੋਸਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਿਓ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਓਏ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਇਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਚਿੰਟੂ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਲੈ ਤਿਆਰੀ ਓ ਯਾਰ ਦੀਪੂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਨਾ ਸਕੂਲ ਜਾਇਆ ਕਰ ਓ ਚਿੰਟੂ ਦੋਸਤ 3 ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚੱਲ ਆਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਦੀਪੂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਮ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਮਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਪਰ ਮਾਮ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸੁਪਰ ਮਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਟਰਾਫੀ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਹਿਰ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਚਿੰਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਹਨਾ ਮਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਪੈਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਾਣੂ ਭੈਣ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਛਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰ ਤੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਮਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਲੌਕਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੌਕਟ ਲੈ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਗਈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਲੌਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਮਹਿਰ ਉਸ ਲੌਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤਿੰਨ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਵਰਨਾ ਭਾਬੀ ਜੀ ਸੱਚ ਕਹਿ ਲਾ ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਾ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਮਰਨ ਤਾਂ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੈ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਕਰਨ ਮੇਰੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਾਵਨੀ ਨੂੰ ਸਭ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਕਰਨ ਮੈਂ ਸਭ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਵਨੀ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਟ ਸੌਰੀ ਅਗੇਨ ਪਲੀਜ਼ ਪਾਵਨੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर कंसर्न ਪਾਵਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ ਉਂਟ ਪਹਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੇੜੇ ਝੂਠ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਸੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਕਦੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ
बेचारी स्वर्णा भाभी जी ओदे मन च इन्ने चासी आने वाले जी ली है कि ना स्वर्णा भाभी जी ते करण पुत्र तू भी अपने घर वाली दे मगर लग के बेचारी स्वर्णा भाभी जी नूं इन्ना वड्डा धोखा दिता है कि ना भाभी जी। हाँ मैनू तो बड़ी उम्मीद सी ते पावनी तू भी सब कुछ मेरे तो लुकांदे रही नहीं नहीं मां ऐसे च पावनी दी कोई गलती नहीं है कल तक ए भी सच्चाई तो अनजान सी ए आप किन्नी किन्नी दुखी है ए मैं ही जानदा मां तुहानू तो सुन के दुख हो रहा है पर ऐस बिचारी ते तां बीत रही है थोड़ा जिहा इसके बारे भी तो सोचो हाय हाय करण पुत तेन एदा बेचारी का दुख दिख रहा है पर जो साढ़े सारिया दे बीत रही है ना ओ नहीं। हाँ बुआ जी क्योंकि एदा दुख सब तो वड्डा है पावनी मां नहीं बन सकती ऐसा तुसी सारे जान गए हो पर इस नाल पावनी की इज्जत ते मान विच कोई कमी नहीं आनी चाहिए मेरी तुहाडे सारिया तो हाथ जोड़ के विनती चल पावनी तेनू दुखी होने की कोई लोड़ नहीं चंगा ही होया ऐसा सब दे सामने आ गया पर जिस तरह आया है वो ठीक नहीं है करण जी काश अगर मैं मम्मी जी नूं आप दसती जो होना सी हो गया हुण तू टेंशन ना नहीं करण जी मम्मी जी की सोच रहे होने ने मेरे बारे मैं उन्हां नाल किवें नजरां मिलावांगी उन्हां नूं किवें फेस करांगी मेरा तो जी करता है मैं हुणे किते चली जावां जी की कर रहे हो तुसी ठीक है पावनी जे तू यही चाहती है तो यही सही नहीं करण जी रुक जा की कर रहे हो तुसी जो मैनू करना चाहिए सी जदों साडा विआह होया सी ते जेड़े वचन मैं तेनू दिते सी उहदे विच एक वचन ए वी सी कि जिंदगी दी हर मुश्किल घड़ी विच मैं तेरा साथ देंगा जे तू इत्थे नहीं रहना चाहती है तो ठीक है मैं इत्थे किवें रहां चल असीं इस सिचुएशन तो दूर चलते हैं फिर तो सब कुछ ठीक हो ही जाना है नहीं करण जी तुसी मैनू गलत समझ रहे हो मेरा ये मतलब नहीं सी सौ लगे मैनू सुख ते दुख जिंदगी दा हिस्सा होंदे पावनी जैसी सुखा तो नहीं बचते ता दुखा दा सामना ते सानू करना ही चाहिदा है ऐही ते जिंदगी है पावनी ते जिंदगी दे हर मोड़ ते मैं तेरे नाल खड़ा हाँ जो भी मुश्किल आए असी नाल मिल के फेस करांगे मैं सब तो खुश नसीब कुड़िया करें जी मेरे को तुसी हो ते उस जादूगरनी ने उन्हू वापस पत्थर तो राजकुमारी बना दिता ते ओ फिर राजा ते रानी नाल हसी खुशी रहन लग पई चल हुण मैनूं नींद आ रही है तू भी सो जा बाऊ जी मेरे को मेरी माँ दी इको ही निशानी सी कोई होर नहीं सी ना पुत्र होर कुछ नहीं है ज्यादा सोच ना सो जा बाऊ जी ये मेरी माँ दी होर कोई निशानी नहीं है ता पुलिस अंकल ओनू किद्दा लभणगे तेनू मैं मना कीता सी ना पुलिस वाले नाल नहीं मिलना तू मेरी गल मंदी नहीं तू अपनी मां नूं लब्भन लई अखबार च इश्तिहार भी तां दित्ता सी ना ओह नहीं मिली ना माता रानी दी मर्जी नहीं है जदों माता रानी ने चाहिया ना तेरी मां ने लभदे लभदे तेरे कोल आ जाना है माता रानी ते विश्वास रख मन विच ओहदा जाप करदी करदी सो जा माता रानी ने सब ठीक कर देना ठीक है ना बेटी
चलो सो जा, मैं भी सो जाऊं। मम्मी तू कदों आएंगी मेरे को? सिमरन ऐसा किए? सिमरन मैं तेरे तो पूछ रहा है, तू दस्सी क्यों नहीं? की दस्से करन पुत्र, कि बेचारी दुखी होके इस घर नू छड़ के जा रही है। की होया सिमरन दीदी, तुसी एवे किवें जा सकते हो? हाय 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 पावनी बहू, नाले चोरी ते उत्तों सीना जोरी। तेनू तो पहले ही पता सी कि तेरी किस्मत च मां बनदा सुख है नहीं, ते तू सिमरन विचारी तो भी वो सुख खो लिया।